पीछे इतना सारा स्पेस बच जाता है अगर भाई कोई छोटा बंदा आगे गाड़ी चला रहा हो। तो मैं दिखाऊंगा, रुक जा इस साइड आके, वीडियो बना तू मेरी। इन्होंने मेरी जान मूछ के आगे करवाई है, ज्यादा जान मूछ के पीछे कर ले। भाई वही वीडियो चलाएं, वीडियो बनाएं, देखो भाई, ओ भाई स्पेस देख रहे तो भाई वीडियो का मेन मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद रहने वाला है कि भाई लड़की जो कि 5 फुट 1 इंच 2 इंच के आसपास की है वो इस गाड़ी को चला पाएगी? इतनी भारी भरकम और जिंदगी में पहली बार ऑटोमेटिक गाड़ी चला रही है, और वो भी सीधा टाटा सफारी, इतनी भारी गाड़ी है ना अभी। हाँ। पहली बार चला रहे ना? हाँ, इतनी बड़ी और ऑटोमेटिक पहली बार चला रही हूँ तो बोलने का भी आगे कभी नहीं दिख रहा उच्च कर ले। अभी एंड हो चुका है इसका और आगे नहीं आई। अरे और आगे, अरे तू कहाँ, कितनी आगे जाएगी? स्पेस देखो ना, मैं दिखा रही हूँ कि अगर कोई 4 फुट का होगा ना वो भी चला लेगा, क्योंकि ऊपर भी तो देखना है, नीचे नीचे आगे आगे थोड़ी जाने। ये भाई मैं फंस गई, तो पीछे कर दे इसको। ये कहाँ तक जा सकती है, इसकी कहाँ तक एंड है? स्पेस बहुत तगड़ा है भाई। और भाई हम साथ में भाई, एक बात है, अगर कोई लेडी ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना तो वो हमेशा सीट में बिल्कुल घुसा के चलाता है, मैंने कई देख ली। अब भाई कुछ एक होएगी तो मेरे को पता नहीं, बाकी जितनी जितनी सबका अपना अपना है, मतलब कंफर्टेबल कैसे चला सके। भाई हम अपना बच्चा भी साथ लेके आ रखे हैं भाई, और ये खुश हो रहा है इसकी मम्मा गाड़ी चला रही है। चले चले चलेगी, ये ब्रेक इसके पूरे एंड तक नहीं दबते। लेफ्ट पैर को यूज मत करियो, ठीक है, राइट पैर यूज करना है हमेशा ऑटोमेटिक में। भाई अभी पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिक गाड़ी किसी ड्राइवर को कैसे सिखाई जाती है, अगर उसको मैनुअल आती है तो। क्यों ऐसे स्टार्ट हो जाएगी बिना क्लच तो है नहीं, ब्रेक दबा के स्टार्ट होगी? नहीं, मैं बताता हूँ, अगर आपको कभी भी ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो ना तो पी में लग के स्टार्ट होगी वो। पी में लग, पार्किंग रूल नंबर 1 पार्किंग, उसी में लग के स्टार्ट, पार्किंग में ही है, पार्किंग में ही बंद करनी रहती है। पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल और स्टार्ट हमेशा पी में करके करो, ठीक है? तो मुझे ब्रेक नहीं दबानी अब, वैसे ब्रेक दबा के ही स्टार्ट होएगी। तो ब्रेक तो बहुत थोड़ा ही दब रहा है, पूरा एंड तक नहीं जाएगा। स्टार्ट करोगे जब हो जाएगी, स्टार्ट करो, मार दबाओ ना, दबा दिया, दबा दिया, थोड़ा सा लैग लेके स्टार्ट हो गए भाई, मर के कर यार। और दूसरी बात, टाटा सफारी में आपको भाई साहब ऑटो हैंड ब्रेक हटाने पड़ेंगे, हल्का सा ब्रेक प्रेस करके ये नीचे ये पार्किंग वाला बटन दबाएगी, अगला ब्रेक प्रेस करके हल्का सा, ये है हैंड ब्रेक गाड़ी का भाई। आवाज हवा थोड़ी मंदी करते हैं, हल्का सा ब्रेक दबाया है। हाँ दबा दे, देख अब यहाँ से, देखो यहाँ से अपने आप हट गया वो साइन से, पहले तो साइन दिखाना चाहिए था ना, हटा कोई बात नहीं, हैंड ब्रेक का साइन था वो हटेगा, चलो ठीक है। तो साइड मिरर यूज करियो, मेरे को नहीं लगता तेरी हाइट के हिसाब से तू पीछे देख पा रही हो। नहीं दिख रहा है, सब कुछ साफ दिख रहा है। इतनी भी छोटी नहीं है, पी में नहीं चलेगी गाड़ी पहली बात। हाँ, इसको डी में चलेगी, ड्राइव मोड मतलब। रुको मैं बताता हूँ, देखो आर मतलब रिवर्स, एन मतलब न्यूट्रल, डी मतलब ड्राइव। और लगेगा ऐसे, ऐसे नहीं लगेगा, आप सीधे इसको ऐसे खींचोगे ना तो नहीं लगेगा, हमेशा ब्रेक प्रेस करके आगे से दबाओ इसको। अब एक पीछे करो, पूरा पीछे नहीं, पहले आर पार पे देखो, पहले आर पे करो, आर पे अपनी खड़ी है पीछे, चलो आर पे मत करो अभी, सीधे जाने दो आर आपको बाद में समझ। अच्छा एम तो नहीं बताया तुमने, क्या है एम? है मैनुअल मोड, मैनुअल मोड कैसे लगेगा? अच्छा तो चीनू लगा देती है गलती से, ऐसे इस साइड आ जाएगा ड्राइव मोड, और ये हमेशा मतलब, और ये प्लस माइनस ऐसे होंगे यूं, ये सेकंड गियर लग गया, देखो देखो वो स्क्रीन में दिखा रहे, देखो वहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख रहा है। अब देखो मैं तीसरे लगाऊंगा, तीसरे लग गया, कहाँ लगा है ये दूसरे में है। देखो ये पीछे करोगे तो ये फर्स्ट गियर लग गया, तो आप इसको ऑटोमेटिक में चलाओ। अच्छा लिखा रहा है। हाँ अब मैं इसको डी पे कर देता हूँ, ऑटोमेटिक चला, मेन क्लास तेरी ऑटोमेटिक, ठीक है। जोर से बोलो, जय माता की। यार वो चल ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैनुअल अच्छे से चला, यूज नहीं करना है लेफ्ट पैर, बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, कैसा मजा आ रहा है? अभी रुक जाओ, मुझे थोड़ा इसमें आने दो कि मैं हाँ चला रही हूँ। हाँ। नहीं मुझे भी सीधा सीधा पूरा बोनट दिख रहा है, पूरा बोनट दिख रहा है अच्छे से। हाँ। ऐसा है, भीड़ भाड़ में चला लोगे? भीड़ में मार्केट में नहीं लेके जाऊंगी, मार्केट में तो सैलरी भी लेके जाऊंगी। गलती कर दी, अभी गाड़ी रोको, हमेशा गाड़ी चिन्नू भी हंस रही है, और भाई तो देखो सीट पीछे आ गई, प्लीज टाटा थोड़ी सी बड़ा पट्टा करे इनका। नहीं टाटा ने ना शायद बना रखा है हमारी छोटी लड़कियों के लिए, क्योंकि मेरे को सही लग रहा है, मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि
मुझे आगे से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे सब दिख रहा है। मतलब जैसे आज जम जाएगा तो तू ये है कि बाजार में भी घुसा देगी अगर कोई दिक्कत वैसे हो। तेरी मम्मी ने चला, तेरी मम्मी ने चलाना ना गाड़ी, देख पिट करेगी, तेरी मम्मी गाड़ी चलाना ना आवे पिट्टी करे, लेफ्ट ले ले। आई आई रे मार दिया रे, आई मत मार, आई देख अपने आप कुछ मजा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में। ये ध्यान नहीं देना पड़ रहा कि फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर। तो तू जो लड़कियों को क्या राय देना चाहेगी, उनको मैनुअल लेनी चाहिए ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, अगर जो मतलब ठीक से मतलब अभी सीख रही हैं, जो सीख रही हैं वो तो भाई मैनुअल लो और फिर जब सीख जाओ तो फिर ऑटोमेटिक तो पता क्या है, हमेशा गाड़ी मैनुअल से सीखनी चाहिए। हाँ। क्योंकि मैनुअल वाला ऑटोमेटिक चला लेगा पर ऑटोमेटिक वाला मैनुअल नहीं चला, ऑटोमेटिक वाला मैनुअल में जाओगा ना तो उसमें दिक्कत आओ। देखिए आगे ट्रक कट रहा है, नहीं निकल पाएगी तुमसे भी या मेरे से ही, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, हम कैसे निकाल देंगे। बैक कर हटाए तो बैक कर ले, चल बैक की भी टेस्टिंग हो जाएगी तेरी। चलो नहीं हटाएगा ये, नहीं रुको पीछे से गाड़ी को निकल, पीछे गाड़ी है तो उसको बोल दे साइड से, बोल देना बैक कर ले अभी, आप थोड़ी सी बैक लो हल्की कर फिर आराम से छोड़ना अभी। चलो तो भाई अब देख रही है योगिता बैक करके, कैमरा कैसा लग रहा तेरे को, इसकी क्वालिटी कैसी लग रही कैमरे की अपनी ब्रिजा से कंपेयर? चलो ब्रीजा के कंपेयर अच्छा है पर थोड़ा ब्लर है गाड़ी के मुताबिक, गाड़ी इतनी ज्यादा पैसे देंगे तो फिर यार अच्छा क्लियरिटी वाला भी तो देंगे। बस रोक ले पीछे, अब आगे करो, ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, इसमें ध्यान देने वाली चीजें वैसे कम ही है। तो अगर जैसे आपके पास भाई 25-24 लाख रुपए हो तो आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे? वैसे दूसरा चला ही नहीं है ना, दूसरा चला जब ज्यादा पता चले भाई। ये मेरी फर्स्ट गाड़ी है ब्रीजा और सिलेरियो के बाद, मतलब कोई अलग फॉर्च्यूनर चला, फॉर्च्यूनर तुम चला रखी, फॉर्च्यूनर चला रोक रोक रोक, फॉर्च्यूनर नहीं चलाई आपने अपने भाई की, फॉर्च्यूनर चलाई आपने, स्विफ्ट चलाई, हां मतलब बड़ी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में फॉर्च्यूनर नहीं आती। देखो क्या कर रही है पीछे दिखाने, और भाई हमारा बच्चा देखो ये क्या कर रहा है, सीट खा रहा है। ओए चिनु ये तो क्या कर लग रहा है, ओए चिनु दांत है भी नहीं इसके, देख मुंह देखेंगे। चला एक राउंड मार अच्छा सा, फिर बताइयो कैसा क्या फीडबैक है। लेफ्ट ले ले अपने रोड, अपनी साइड ले ले। वैसे ना भाभी एक चीज बताओ, आपने पहली बार भाई ये चलाई ऑटोमेटिक गाड़ी तो आपको लगा कि भाई आसान है, मजे आ रहे हैं कुछ ऐसा? हाँ मजे आ रहे हैं, आसान लग रहे हैं, क्या लगा? आसान लग रहा है ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रेशर कम है। अकेले ले जा सकते हो? हाँ और मेरे को लग रहा है स्टीयरिंग भी बिल्कुल ब्रीजा जैसा ही है, मेरे को मतलब हैंडी लग रहा है ब्रीज, ये स्टीयरिंग भी इसका। नहीं तो मैंने जब टाटा टियागो का चलाया था ना, वो मुझे बहुत लगा था बोलते थे, बट मुझे मतलब अलग से लग रहा था कि ऐसा हैंडी सा नहीं लग रहा था, बट ये मुझे हैंडी सा लग रहा है। अब आप अपने खड़ी करके मोड़ी गाड़ी तो स्टीयरिंग ऐसा लगा कि बहुत, स्टीयरिंग की तरफ से मेरे को कोई ऐसा नहीं लगा कि अलग चीज है। अभी जैसे मैंने पहली बार ऑटोमेटिक और इतनी बड़ी गाड़ी चला रही हूँ तो मुझे अजीब सा लगा, मेरे को अजीब नहीं लग रहा, सच्ची नहीं बिल्कुल, मेरे को कुछ अजीब नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, यही चलाने में मजा आ रहा है। हाँ। अब अगली जो गाड़ी आप लोगे मेरे को दिलाओगे? हाँ। दिलाओ मैं तुझको यही सफारी ही दिलाऊंगी, बाकी तू जैसे ऑटोमेटिक मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक सॉरी तो हमारी भाई नेक्स्ट कार ऑटोमेटिक रहने वाली है, हम डिसाइड कर चुके हैं यहीं पे बैठ के, एक चीज डिसाइड होगी ऑटोमेटिक आओगी, क्योंकि हमने भाई पहले एक बार बीच में सोची थी कि मैनुअली लेंगे, पर अब हम सोच रहे हैं हम ऑटोमेटिक ही लेंगे, क्योंकि घर में भाई सभी चलाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है, योगिता भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, हम भी। हाँ सैलरी में ऑप्शन ना था कि भाई ऑटोमेटिक ले ले,
मेरे को भी मतलब ऐसा लग रहा है बैठ के होगी तब मतलब प्रॉपर तरीके से चला पा रही है इसने, मतलब झटका पटकी सी भी ना कर रही, मतलब प्रॉपर चला रही है सही तरीके से। बस हमेशा ऑटोमेटिक में ये ध्यान रखना है कि भाई लेफ्ट पैर बिल्कुल यूज नहीं करना है, और मतलब पता देख पैर जैसे यूज कर दिया ना आपने, मान लो ट्रैफिक में रोड राड पे कहीं भी, तो पूरा संभावना है एक्सीडेंट का। और एक चीज देख रहा तू मैक्स, देखो इतनी भीड़ी जगह है और पहली बार ही होगी तो चला रही है, और मतलब ठीक से मतलब निकाल पा रही है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि भाई लड़कियों के लिए भी कंफर्ट, जजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सही चल रही है। अगर पड़ी है तो ये नहीं कि मुझे मुझसे जज नहीं हो रहा, मुझसे जज हो रहा है। ओके, तो मतलब तू प्रो ड्राइवर होगी। नहीं भीड़ का नहीं पता, बट ऐसे रोड पे मुझसे जज हो रहा है, हाईवे पे भी जज कर लूंगी मैं। ओके, और आपके बच्चे भाई बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल, देखो यूं लटक लटक के चले, और स्पेस तो भाई क्या नहीं का। टोरा टोरा मेरे वहां टोरा भाई टोरा, मैं ना ऐसे वैसे कभी करती नहीं हूँ, बट मेरे को आज अच्छा लग रहा है बड़ी सी गाड़ी चला के। जाने दे, तुम सीधी तेरे लिए बड़ी लाइन है, टेंशन मत ले, मेहनत करो। एक थोड़ा सा बाहर उतर के देखो क्यों मैं अजीब लग रही की बड़ी सी गाड़ी में छोटी सी, उतर के दिखा सही बात है, कदे बोनट में देख ही ना रही भाई, कहीं छाया से आगे वाले रोड पे से राइट मोड़े हैं। अरे आगे कुछ कर रहे हैं यार, बढ़िया चीज है जान दो, ये आगे कुछ तोड़ फोड़ कर रखी, बैक ले खुद का ना जाओ गाड़ी, और वो ऊंचा से कर रखा है, कदर नाला से खोद रखा है, बंद कर दे पार्किंग, वो समझदार हो रही है खुद ही, बंद करने के बटन दबाने वैसे भी हो जाती बंद तो। अच्छा, तो फाइनली फाइनल वर्डिक्ट दे, कैसी लगी? आई लव्ड इट, बढ़िया लगी, हाँ अच्छी लगी, मजा भी आया चलाने में, और इस पैर को तो पता ही नहीं है गाड़ी में बैठा है कहाँ बैठा है, दिख रही है, दिख रही है, थोड़ा रिफ्लेक्स नहीं हुआ तो दिक्कत है, बाकी दिख रहा है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को भाई यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, जो ऑटोमेटिक सीखना चाहता है उसको पता चल गया, कोई लेडी ड्राइवर है उसको पता चल गया, कोई छोटी आईटी का उसको पता चल गया, तो सारी चीजें पता चल गया ना। हाँ ओके गाइस, बाय बाय बाय।